गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचयितान संस्मरण नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ये जो प्रश्न है जिसको मैं बताऊंगा, ये कई लोगों ने किया हुआ है और वर्तमान में कई लोगों की ऐसी व्यवस्था है, परिस्थितियां हैं जिसका ये प्रश्न है। लोगों का कहना है कि जिनका माता पिता की प्रेरणा से, गुरुओं की कृपा से प्रारंभ में समय पर यज्ञोपवीत हो गया या कुछ प्रायश्चित करने के बाद उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार हो गया, उसके बाद उन्होंने उतार दिया, नियमों का पालन नहीं किया, प्रमादवश, अज्ञानवश, परिस्थिति वशात वो त्यक्त यज्ञोपवीति हो गए। हो सकता है उनका भी विवाह भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही लोग ससुराल जाने के चक्कर में चोटी कटवा देते हैं। ये हमने कई लोगों को देखा है, अरे विवाह वाह होने लग गया, छोटे में चोटी रखी थी, वो सब था, अब उन्होंने चोटी कटवा दी, यज्ञोपवीत उतार दिया, अब वे गृहस्थाश्रम में जाना चाहते हैं, या गृहस्थाश्रम में पहले थे ही, ये सब यज्ञोपवीत हुआ था, उतार दिया और अब तो गृहस्थाश्रम में है ही, आगे आगे भी गृहस्थाश्रम का ही निर्वहन करना है, तो उनके लिए क्या प्रायश्चित है? यज्ञोपवीत और शिखा का परित्याग करना चतुर्थाश्रम में होता है, मां विधान है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य अवस्था को पूर्ण करके वहाँ इन सभी नियमों का धारण करता है ब्रह्मचर्य अवस्था में, और वहीं उपनयन होता है, शिखा और भी नियम होते हैं, उनका पालन करके वेदाध्ययन करता है, फिर वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, तो उससे पहले समावर्तन संस्कार हो जाता है ना, विद्या पूर्ण हो जाती है, दो यज्ञोपवीत का धारण करने लगता है वो, है ना, यज्ञोपवीत दो, या पहले भी दो उपनयन हो जाते हैं, यज्ञोपवीत द्वे धार्य श्रौते स्मारते च कर्मणि। तो फिर गृहस्थाश्रम को पूर्ण करके जब वो वानप्रस्थ लेता है तब भी उसको उपनयन रहते हैं, शिखा सूत्र रहता है, लेकिन जब वो चतुर्थाश्रम संन्यास को ग्रहण करता है तो इनको शास्त्रों में परित्याग की विधि है कि उपनयन और यज्ञोपवीत और शिखा ये सब बपन कर दी जाती, हटा दिया जाता नियम पूर्वक। लेकिन गृहस्थाश्रम में ही सब मनमर्जी से हटा दे तो उसका क्या प्रायश्चित है? देखिए, इसका प्रायश्चित पंडित प्रवर महामहोपाध्याय श्री विद्याधर गौड़ जी ने लिखा हुआ है प्रमाण के सहित। उन्होंने क्या लिखा है तो निर्णय सिंधु में ये जो है संग्रह करके उनके वचनों को रखा है, देखिए वे कहते हैं कि त्यक्त शिखा सूत्र से पुनर्गार्यस्थ प्रवेशे, है ना, पुनर्गार्यस्थ प्रवेशे प्रायश्चित्तम। इनके प्रायश्चित का वर्णन मैं बतलाता हूँ। कह रहे हैं कि प्रमाद वशात परित्यक्त शिखा सूत्र क्रतोद्वाह सपितृमातृको कश्चन ब्राह्मण कुमार पुनर्गृहस्थाश्रमं चिकीर्षु पुनरुपनयनादि संस्कारेण शुद्धो भवति, है ना, पुनरुप तो उसका पुनः उपनयन संस्कार होगा, फिर दोबारा वो उपनयन संस्कार का उपनयनादि संस्कार, है ना, उपनयन वेदारंभ आदि ये सब संस्कार दोबारा होंगे, पुनरुपनयनादि संस्कारेण शुद्धो भवितुम अर्हति। नन्वेति प्रश्ने, है ना, धर्मशास्त्रोक्त विधिना प्रकृत त्रय प्रायश्चित त्रयब्द। फिर वो जो है त्रयब्द प्रायश्चित कर प्राजापत्य के 3 वर्ष तक
कोई दानात्मक या व्रतात्मक जैसा भी उसकी शक्ति सामर्थ्य हो। पुनरुपनयनादि संस्कार संस्कृत ये सर्वेशामेव पापानां जपः प्रायश्चित्तमीरितम्, और सभी प्रायश्चित्तों का प्रायश्चित का विधान जो है जप रूप में कहा गया है। इस दृष्टि से ये बात समझ में आई, माना कि जिनका जिन्होंने उपनयन का त्याग कर दिया है, जनेऊ का परित्याग कर दिया है, एक तो उनको पुनः यज्ञ उपवीत आदि संस्कार करवाने हैं और त्रियब्ध प्रायापत्य प्रायश्चित करना है। तो तीन वर्ष तक प्रायापत्य नहीं कर सकता तो कम से कम है ना जो गायत्री जप करे। सर्वेशामेव पापानां जपः प्रायश्चित्तम् ईरितम्, तो जप मुख्य बताया है वो कितना करना है। इत्यादि द्वादश सहस्र गायत्री जपेन शुद्धो भवितुम् अर्हति, कह रहे हैं 12,000 गायत्री का जप करे, पुनरुपनयन कराए और 12,000 गायत्री का जप करे। द्वादश सहस्र गायत्री जप जपेन शुद्धो भवितुम् अर्हति है ना, अर्हति भवितुम् अर्हति, ये वो शुद्ध होने के योग्य हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और बोले इसका प्रमाण क्या है, आपने ये जो आचार्य के कहेंगे आपने मनगणंत बात कर दी, बोले इसका प्रायश्चित और जो आचार्यों ने प्रमाणमच प्रायश्चित विवेके, प्रायश्चित विवेक नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ है, और संस्कार भास्करे च वर्तते, और इसका प्रायश्चित संस्कार भास्कर नाम के ग्रंथ में भी है। तो ये निर्णय हुआ कि जो उपनयन त्याग देते हैं, यज्ञ उपवीत उतार देते हैं, उनको फिर उपनयन कराना चाहिए और इसके निमित्त 12,000 गायत्री का कम से कम जप करना चाहिए, ये प्रायश्चित है। इसलिए उपनयन को ना उतारें, यज्ञोपवीत को उतार के नहीं फेंकें प्रमाद में, और उसका विधिवत पालन करें, ये तो हमारी विरासत है। यज्ञोपवीत ये बड़ा उल्टा हो रहा है कि जो उपनयन के यज्ञोपवीत के अधिकारी हैं वे इसका परित्याग कर दे रहे हैं, और जो अनधिकारी हैं उनकी इसमें प्रवृत्ति हो रही है। वे लोग कई प्रश्न करते हैं और वो जो है चाह रहे हैं कि भाई हमारा भी उपनयन हो जाए। स्त्रियां, शूद्र जो उपनयन के अनधिकारी हैं वो इसमें प्रवृत्त हो रहे हैं, और जो इसके अधिकारी हैं उनका किसी कारणवश माता पिता गुरु इत्यादि की कृपा से पुनर्जन्म है ना पूर्व जन्म के किसी पुण्य प्रसाद से यदि उपनयन हो भी जाता तो वे परित्याग कर दे रहे हैं, कैसी स्थिति है। इसलिए उपनयन को अवश्य धारण करें, जिससे उपनयन धारण करने से ही यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करने मात्र से ही जो है आपको जो है भेदों में अधिकार मिलता है, आप द्विज कहलाते हैं, अन्यथा फिर तो शूद्रत्व को ही प्राप्त हो जाएंगे, उसमें कोई जो है विशेष बात नहीं रहेगी, शूद्रवत ही माना जाएगा उसका। भले ही कोई कितना भी ब्राह्मण अच्छे उच्च कुल में जन्म होने वाले ब्राह्मण का बालक है, अगर उसका उपनयन संस्कार नहीं होता है तो भी उसको न गायत्री जपने का अधिकार है, अग्निहोत्र करने का नहीं अधिकार है, और ना ही वेदों का जो है पाठ करने का अधिकार है, ना ही गुरु दीक्षा इत्यादि देने का अधिकार है, किसी भी शुभ कर्म में उसका अधिकार नहीं है। सभी वैदिक शास्त्रोक्त कर्म करने का अधिकारी वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तभी है जब वह विधिवत उपनयन करा करके और विधिवत उपनयन के नियमों का पालन करता है, संध्या गायत्री इत्यादि जप करता है। तो इसलिए सभी द्विज ब्राह्मणों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के बालकों से ये जो है अनुरोध है कि वे सब लोग उपनयन करवाएं विधिवत और उसका विधिवत पालन करें। हर हर महादेव।